गया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पी रहे। बिंदिया के पापा शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। का बात है रिंकिया की मम्मी, एकदम टिप टॉप बन के कहाँ घूर आ रही है? आज कुछ स्पेशल दिन है का? का है रिंकिया के पापा, अखिया के साथ साथ दिमाग भी टीवी में घुसा के बैठ गए हैं का? आज रक्षाबंधन है, यही लिए इतना तैयार हुए हैं। आजा, गुडवा भी तो अखिया के लाइन में करता होगा। हाँ गड्डू, बस में बैठ गया ना? अच्छा सुनो ना, बस स्टैंड पे उतर के फोन कर देना, तुम्हारे जीजा जी स्कूटर लेकर आ जाएंगे। ठीक, हाँ जल्दी पहुंचो। अरे रहना तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ओकरे पहले हमारा पैर कौन पड़ेगा? प्रणाम प्रणाम जीजा जी, प्रणाम दीदी, खुश रहो, रक्षा बंधन तुमको भी। इलो दीदी, तुम्हारे लिए मिठाई लाए थे। दरवाजा कौन पीट रहा है हम लोग का इतना? वो हमारा पेटीएम का सिस्टम हैंग हो गया है, इसलिए मिठाई वाला पैसा लेने के लिए हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। जीजा जी, आप जरा सो मिठाई वाला का मामला सेट करके आइए तो। कोई टेंशन ना। अरे आज के दिन तो छोड़ देते महाराज, आज के दिन तो हर बहन अपना भाई को लूटती है, तू सारा हम ही को लूटने में लगा हुआ है। हमको तो लगता है ना कि तुम्हारी बहन और हमको किसी और से नहीं बल्कि तुम ही से रक्षा का जरूरत है। अरे आ रहे हैं भाई, पत्थर का हल्ला मार रहा है दरवाजे पर। अच्छा दीदी, वैसे किसी को बताना ना, लेकिन अब बिग बॉस में हमारा जाना कंफर्म है। का है? अपनी जेल जाने का प्रबंध नहीं होता है का? मेरा मतलब है कि तुमको तो आदत होगा ना, 2 महीना जेल में रहो या फिर बिग बॉस में, एक लिए तो एक के बात पड़ेगा। अरे भाई, जहाँ ही जेल में फ्री का रोटी खाता है, वहीं बिग बॉस में फ्री का पराठा खाएगा। का जीजा जी, आप भी ना बता रहा हूँ, जब हम चल जाएंगे ना तो आप ही को सबसे ज्यादा खुशी होगा। हाँ सो तो हो करेंगे, कम से कम 2 महीना हमको कंगाल होने से मुक्ति जो मिल जाएगा। अच्छा अभी चुपचाप से राखी बंधवा और निकलो यहाँ से। का बोले? मेरा मतलब है कि निकालो पैसा, निकालो यहाँ पे। इन्हें दूसर का वाला हाथ दो। ईलो दीदी, तुम्हारा राखी का गिफ्ट। अरे इसका कहाँ जरूरत था गुड्डू, हम तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना। अरे बड़ी बहन है तो क्या हुआ दीदी, तुम्हारा भाई इतना नाकारा भी नहीं है कि आज राखी के दिन अपनी दीदी के लिए को गिफ्टो तक ना ला सके। लो ना, कॉर्डन सुनना। अरे भाई पहले खोल के देख लीजिए। अरे अभी खा ला, बाद में खोल लेंगे। हाँ दीदी खोल कर देख लो, जीजा जी को हम पर विश्वास न है। खोलो ना, तुम आराम से खोल के देख लो, कोई टेंशन ना है। आके भैया, मोबाइल हमारे लिए? इतना महंगा वाला, इसका क्या जरूरत था गुड्डू? अरे भाई पूरा खोल के देख लीजिए, कोई मोबाइल का डब्बा में साबुन का टिकिया भर के तो नहीं ना दे दिया है? बस जीजा जी बस। अरे और कितना जलील करिएगा हमको, माना कि हम उतने जिम्मेदार न है, आज रक्षाबंधन के दिन अपना दीदी को ऐसे धोखा नहीं देंगे हम। आप भी ना हद करते हैं, लेकिन हर बात में बकर बकर करना जरूरी है? इतना प्यार से गिफ्ट लाया है, उसमें भी बिना मतलब का शक कर दिए, राखी के दिन भी रुला दिए बेचारा को। ठीक है दीदी, अगर जीजा जी हमसे माफी मांगिए रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि मोबाइलवा का EMI ये महीना फ्री में था, लेकिन अगला 1 साल का EMI जीजा जी आप पे कर दीजिएगा। टेंशन ना। गुड़वा फिर हमें क्यों लगाया तू? देखे ना भाभी,
आखिर टपकिए गए हम राखी पे। अब कितनों बेइज्जती हो हमरा, लेकिन हमर भैया के लिए तो आईबे ना करेंगे। खुनवा का रिश्ता टूटता है कभी ना भाभी, ज्यादा कुछ मत बनाइएगा, हम भात दाल भुंजिए खा लेंगे, खाली दो चार को पापड़वा छान दीजिएगा। देखे ना, यही बस यही चाह रही थी अमरी भाभी कि ननद राखी पर आई है उसको भूखले टटा दो। यहाँ पर उनका भिकमंगा भाई आता है तो महाराजा थालिया परोस के देती है और ननद को भूखले टटा देती है। एकदम मायके परस्त है हमरी भाभी। आप मानिएगा, हमार भैया पिछलका राखी में 1100 रुपया निकाल रहा था, लेकिन ये ऐसा आंख तरेरी बेचारा 11 रुपया पर उतर गया। फिर तनी लाज लगा तो 100 रुपया निकाल के दिया हमको। देखे है ना, हम बहुत कंट्रोली पावर है कि अपन तरफ तो पूरा पैसा निकलता है, खाली हम ही को देने में दरिद्री मार देता है लोग। बेटी के पापा तो बड़ी गुस्सा आते हैं जी कि हर बार कहला 100 रुपया लेने के लिए चल जाती है, इतना में तो रिक्शा भाड़ा भी नहीं निकलता है। लेकिन का करिएगा, हमारे भाई ये प्रेम इतना है सब रहिए ना पाते हैं। तारिंकी है ना, आज सर को राखी बांधने कोचिंग नहीं गई? अच्छा तबीयत खराब है? नहीं नहीं, जाओ तुम रूम में जाके आराम करो। का नहीं समझे? अरे तबीयत खराब तो बहाना है, क्या कहते हैं, हाँ वैलेंटाइन, उसमें तो बड़ा हीरोइनी बन के गई थी। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमको तो लगता है ना कि इसका अपना सर के साथ चक्कर चल रहा है। भाभी का गलती है इसमें, पूरा सरासर भाभी का गलती है। पूरा छूट दे के रखी है इसको, हमेशा सह देते रहती है, एकदम सुखड़ बना के धर दी है। हमारे भैया कुछ बोलने भी जाता है ना तो एकदम डांट के चुप करा देती है कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलोगे। आजकल की लड़की लोग ऐसे ही पहनती है, आजकल की लड़की लोग ऐसे ही बोलती है, आजकल की लड़की लोग का यही फैशन है। बोल रहे हैं एकदम बर्बाद करके धर दी है अपना लड़की। अरे हमको तो पूरा परिवार में बदनाम करके धर दी है। कहती है कि फुआ तो आज तक रिंकिया को कुछ नहीं दी है, एको तीन का तक नहीं। पिछलका राखी में हम अपना बेटा से कितना बढ़िया कपड़ा दिलवाए रिंकिया को, बताइए आपको नहीं ना? पूछिएगा ना, अरे पूछिएगा ना, जरा पूछिएगा तो मुँह ये चोर जैसा हो जाए। कुछ नहीं देती है फुआ, कुछ नहीं देती है फुआ। भाभी बालाजी मिष्ठान भंडार से जरी मिठाइया का डब्बा मंगा लीजिए। ता देखिए ना, हड़बड़ी हड़बड़ी में हमसे मिठाइया का डब्बे घर में छूट गए। अब इनको तो लगेगा कि हम जान बुझ के छोड़ के आए हैं, लेकिन आप तो जानबे करती हैं कि बिट्टी का पापा को तो शुगर है। अब उनका सामने इतना सारा मिठाई हम उनके मारने के लिए छोड़ के जाएंगे? इल्जाम लगाने सबसे पहले आ जाएंगी, देखिएगा ना। भाभी चाहिए बन रहा है का? सुबह में निकले ना यहाँ के लिए तो एकदम हड़बड़ी में निकले और चाय पीना भूल गए। अब बिना चाय के हमारा माथा एकदम पकड़ लेता है। हाँ चाहिए ला रहे दीदी। का ऐसा का देख रहे हैं? अरे आप लोगों को तो हमने ननद का शिकायत सुनकर लगे रहा होगा कि पूरी फैमिली की बिलन छोटकी भाभी है ना। पर सच बात तो ये है कि हम अपना ननद को फुटल आंख नहीं सुहाते हैं। जानती थी कि आज हमारा भाई यहाँ पर आने वाला है, ये जान मुझ के 5 रुपल्ली राखी लेके यहाँ पर टपक गई कि कहीं गलती से रिंकिया के पापा इनके घर पहुँच गए तो सबका आवा भगत कौन करेगा। एक तो इतना दुष्टाई करती है उसका कोनो सीमा नहीं है। पिछला बार का राखी में हम इनको इतना बढ़िया साड़ी दिलवाए थे, घर जाके देखे तो अपना दाई को पहना दी थी। बोले लगी कि ऐसा साड़ी तो शास्त्री मार्केट में 100-100 रुपया में मिल रहा था भाभी। तो अभी इनके भैया गुस्सा के 100 रुपया थमा दी कि जाओ ले लो वहीं से। अरे देना लेना तो उसको ना किया जाता है जो उसका कदर करे मान करे। इन लोगों को तो सोना का कटोरा भी थमा दो ना तो उसमें भीखे मांगेगा। आप मानिएगा, रिंकिया को राखी के नाम पर अपना बेटा से उसका पुराना टी शर्ट और जीन्स गिफ्ट करवाई थी कि देखो आजकल का फैशन वाला का कहते हैं ओवर साइज कपड़ा गिफ्ट किए हैं। हमको कुछ बुझाता नहीं है का? अरे हमारा बच्चा लोग के लिए तो एक कुछ चबन्नी नहीं निकलता है इनसे और खुद को यहाँ पर भुक्त भोगी साबित करके बैठ जाती है। अरे हम हर बार इनको एक से एक बढ़िया खाना खिलाकर भेजे हैं,
लेकिन बड़ाई करने में तो इनका जीव न लटकता है। ऊपर से हमारी माँ बड़ी बढ़िया कोआ छानती थी, हमारी गुतनी बड़ी बढ़िया खीर बनाती है, हमारी फलाना ई बनाती है, हमारी ढिमकाना ई बनाती है, और आप का बढ़िया बनाकर खिलाई है आज तक। खाली हमको चिड़काने के लिए जानबूझ के हमारे सामने सबका बड़ाई करते रहती है। नहीं लबरी तो हम ठान लिए हैं कि इनको भात दाल भुंजिया खिलाकर भेजेंगे। रुकिए ना, इसकी बुआ के घर आने पर उनका आवा भगत के लिए हम किचन में दिन से लेकर रात तक एक टांग पर खड़ा रहते हैं, पर ये किचन में हुलकने भी नहीं आती हैं। लेकिन इनका घर जाने पर 50-50 गो पूरी छनवाती हैं। हाँ दीदी, मिठाइयों के साथ दाल मोट भी ला रहे हैं। देखिए ना, हो गया रूम सर्विस शुरू। राधे राधे मामा जी, बब्बन बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि वृंदावन का पैकिंग सब कर लिए हैं। काहे कर लिए? जन्माष्टमी है ना। अच्छा रक्षाबंधन है क्या? ना ना, पहुंचते हैं अभी पहुंचते हैं। काहे जी, जब छत पर मोर का पंख लगा के नाच रहे थे तो बोला नहीं गया तुमको? हाँ मामा जी, वो कह रहे थे कि इंटरेस्टिंग रोड पर पहुंच गए हैं। अच्छा बोरिंग रोड आना था क्या? ना ना, इतना सारा गली कुचा है ना, अहले नाम कन्फ्यूज आ गए थे। हाँ पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। काजी मॉर्निंग पड़ा ना, मैं देखने नहीं आता तुमको, तब से घुरिया फिरिया के यही पहुंचा दे रहा है हमको। समझते नहीं है का हम? का है, 500 रुपए से काम ना चलेगा? अच्छा ठीक है, 500 रुपए और रखो। अरे आज तो बहन का दिन होता है, लूट लो जितना लूटना है। हैप्पी राखी, खुश रहो। हाँ मामा जी, कह रहे थे कि राखी बंधवा लिए हैं। अब कहा बताए, रिंकिया इतनी बड़ी हो गई है, शुरू में तो हम पहचाने नहीं पाए इसको, फिर ध्यान से देखे तो देखे ना, नैन नख तो पूरा आप ही पे गया है इसका, है ना? रिंकिया आपके साथ है? नाम क्या है तुम्हारा? पिंकी। कहकर राखी बहन से राखी बंधवा लिए हम। काजी राखी के दिन खाली सबको भैया बना के लूटते रहती है। आप लोग इसके असली भैया है ना, धंधा बना के रख दिए। भाग क्या हुआ बहन लोग, फोन नहीं की तो? स्टेटस पर लगाई है ना फोटो, बड़का भैया है तो क्या, उतना माइंड मत करिए, छोड़िए जाने दीजिए। इतिहास गवा रहा है चची कि घर का बड़का भाई को हमेशा उसकी बहन लोग के द्वारा एक फेकौवल सदस्य का ही दर्जा मिला है, और आज ये लोग राखी के दिन इनका धुंधला फोटो लगाकर ये बात साबित भी कर दी। झूठ नहीं बोलेंगे चची, लेकिन बंटू के पापा अपनी बहन लोग के लिए इतना किए हैं तो बोलते बोलते कंठ लहर जाता है, इतना किए हैं। ये हमको बताते हैं ना कि कैसे रोज धूप में दौड़ दौड़ के बड़की दीदी का वो जमाना में सरकारी नौकरी वाला लड़का से रिश्ता ठीक किए थे। कहने का तो कमी मेहमान में खाली यही था कि दिन में 2 बोतल शराब का पी लेते थे, लेकिन दीदी हल्ला हर जगह फैला दी कि बड़का भैया तो हमारा जिंदगी ये बर्बाद कर दिया। तभी से बोला चाली बंद है इन लोग का। इनकी मंझली बहन का शादी तो हमारा दहेज वाला पैसा से हुआ है। आप नहीं मानिएगा, हम अपना नया नया साड़ी गहना सब उनका मड़वा पर चढ़ा दिए थे। अब विदाई होने के टाइम मांग लिए तो हम बुरे हो गए। छोटकी ननद को तो हमसे खड़े चिड़ है, क्या जाने की। बस एक बार कुबारा में छत पर खड़ा होके किसी लंपट लड़का के साथ इशाराबाजी कर रही थी, हम देख लिए। अब भाई हमारा तो यही फर्ज ना बनता है कि जल्दी से जाकर इनका बड़का भैया को बता दे। बस तब से जो मुंह फुलाइले है आज तक कोनो बातचीत नहीं की है हमसे। अब भले थोड़ा ज्यादा बंधन में रखते थे अपनी बहन लोग को, लेकिन देखा जाए तो असली रक्षा इनका बड़का भैया ना किए हैं उन लोग का। पर कहते हैं ना चची कि जो जितना करता है उतना ही ज्यादा फेंकाता है, इसलिए रक्षा बंधन हो भाई दूज हो कोई त्योहार में एक को बहन नहीं पूछने आती है इनको। Hey guys, let's get ready with me, Rakhi edition. अरे यार हो गया तेरा, और कितना देर लगे? तू पागल हो गए क्या? मेरा रूम में रॉकी हमेशा क्यों घुस जाता है? अरे प्राइवेसी का मतलब समझ में भी आता है तुझे? बाह, बोल भी कौन रहा है?
अरे जब पूरा दुनिया के सामने अपना कपड़ा बदलते रहती है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होता है, और मेरा यहाँ पर गलती से घुस जाने पर पूरा गरी आ रही है। हिपोक्रेट कहीं की। सुनो ना, जब ज्ञान मत दो तुम हमको, समझा? पता भी है राखी वाला ट्रेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तुमको क्या है, 100 रुपए वाला सेलिब्रेशन थमा के भाग जाएगा, बड़ा आया हमको हिपोक्रेट बोलने वाला। अरे भाई, तो राखी का ट्रेंड तो भाई के साथ ना किया जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुमको हम अपना वीडियो में ले लिए ना, तो मेरा फॉलोअर्स बढ़ने के जगह घटने लग जाएगा उल्टा। अरे जाओ ना, समझते नहीं है क्या हम? एक नंबर की जरन खट्टी है तुम। सोचती के कहीं अपना स्मार्ट भाई को दिखा दिए तो उसका फॉलोअर कहीं हमसे ज्यादा ना हो जाए। अरे चलो ना, शक्ल देखा है अपना लंगूर कहीं का? अभी निकलो यहाँ से, दिमाग में चटो मेरा, तैयार हो तुमको। हाँ तो जा रहे हैं ना, उठो ना यहाँ से। मम्मी, राखी की थाली से क्यों छेड़छाड़ कर रहा है ये? हमको बूमरैंग स्नैप बनाना है ना, उसके बाद मिनी व्लॉग भी बनाना है। हाथ हटाओ तुम वहां से। अभी रुको, अभी हमको एक दो सेल्फी लेने दो, उसके बाद बांधेंगे हम, वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। रुको, राखी बांधने से पहले ट्राइपॉड कैमरा ये सब हम सही से लगा के आते हैं। क्या यार, कितना गंदा लाइट आ रहा है यहाँ पर। रुको, यहाँ पर नहीं, उधर जाकर बैठो तुम। हाँ ये सही है, लेकिन इतना ऊपर से नहीं आएगा, कट जाएगा। रुको, इसको लो एंगल से लेने दो। अरे मम्मी, ये तो राखी बांधने में भी 4 दिन लगा देगी। इसको बोल दो कि गिफ्ट भी तुमको 4 दिन बाद ही मिलेगा फिर। रुको ना, बांध रहे ना, 2 मिनट तो लगता है बांधने में, हड़बड़ा क्या रहा है इतना। अगर इतना ही हड़बड़ी है तुमको राखी बंधवाने का ना, तो LIC कॉलोनी वाली सोनिया से जाके क्यों नहीं बंधवा लेता है? बताओ ना मम्मी को, क्यों नहीं बंधवाता है? पूछो मम्मी, काहे नहीं बंधवाता है ये? आया बड़ा। अरे सही से हाथ बढ़ाओ ना, कैमरा में कवर ही नहीं हो रहा है तुम्हारा हाथ। ये लो। अरे खाओ मत, फोटो के लिए। अरे ठीक से मुंह फाड़ो ना, मुंह में लकवा मार दिया तुमको, ठीक से करो ना। लो, ठूस लो तुम, तब से मिठाई के लिए मरल जा रहा है, अब हंसो भी थोड़ा। नहीं, हम तुमको देख के टीका नहीं लगाएंगे, मेरा ये एंगल अच्छा नहीं आता, कैमरा देख के लगाएंगे। अब ठीक है। भगवान कैसी भी बहन दे, लेकिन इन्फ्लुएंसर बहन किसी को ना दे। अरे गुस्सा क्यों रहा है? मेरी फुल लेंथ वाली पिक तो क्लिक कर दे। और गिफ्ट क्या है मेरा? अरे भाई, अपने राखी वाले हाथ में तो स्नैप तो लेने दे। हाँ, आई नो राखी के बाद ये वीडियो आया है, लेकिन इसको बनाने के लिए मेहनत में कौनों कमी नहीं किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और राखी के गिफ्ट के तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। बुझे